क्योंकि ये जो आप मुझे देख रहे हो इस टाइम मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। मेरे को लूट के कैसा लग रहा है आपको? नहीं यार, लूटा तो नहीं है। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे अपने नंबर का। क्या नंबर है? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। निकल पड़े हैं तपती धूप में बेमन से, अपने गुस्से को काबू करते हुए। आज का व्लॉग खास है, और आज का व्लॉग इसलिए खास है क्योंकि ये जो आप मुझे देख रहे हो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, और इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं गाड़ी देने गया था अपनी सर्विसिंग के लिए, छोटे मोटे कुछ काम कराने थे। पता है कितने का बिल बना दिया उसने? 1.5 लाख रुपए का। कह रहा कि सर हम आपको अच्छी सर्विसिंग करके देंगे, क्वालिटी ये। 1.5 लाख रुपया कौन बनाता है यार? तो मैं लड़ने जा रहा हूँ उससे। सी यू लेटर। क्या बोला तूने? मगर चल अच्छा भी है, मेरे को एक गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब मैं ये सोच रहा हूँ मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये मेरे को नेक्स्ट गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि इतनी गर्मी में खड़े होकर मैं टैक्सी का वेट करूँगा। टैक्सी तो शायद आ गई। नहीं आई। कंट्रोल कंट्रोल। A few moments later. अब मैं सोच रहा हूँ मैं आ तो गया हूँ, वो रही सामने मेरी गाड़ी, इनसे लड़ूँ, नेगोशिएट करूँ या करूँ क्या? चलो देखते हैं। ये है हमारे सैफ भाई, इन्होंने हमारी गाड़ी का कोड बनाया है। 1.5 लाख रुपया भाई। 1.5 लाख? कितना? 5 हजार में? 5 है। 22.5 के हिसाब से कर लेते हैं तो 1,25,000 रुपये हुआ। ये दरवाजे का ये बोलता है कितने का? 60,000 रुपये का दरवाजा। ये आवाज़ तो ठीक हो गई भाई, थोड़ा कर दे यार। क्या कर रहा है यार? बिना बोले मैंने ठीक कर दिया। वो तो तूने WD-40 डाल दिया होगा। वो मैंने ग्रीस यूज करवाया है भाई। मेरे को लूट के कैसा लग रहा है आपको? नहीं यार, लूटा तो नहीं है। एनीवे बाकी सब सही है। थैंक यू। कुछ भी रहेगा तो बोलो, मेरे को क्या बताओ। मैं बोलता हूँ। कितनी अच्छी लग रही है ना, साफ साफ क्लीन क्लीन कार। अब इसको ऐसे ही रखूँगा मैं। मैं गाड़ी को तो गंदा बहुत करता हूँ। लेट्स गो लेट्स गो। अभी हम लोग आ गए हैं शुतलाना को पिक करने। मेरे को एक्चुअली गाड़ी ना पास करवानी है। 1 साल हो गया ना यहाँ पे। हर 1 साल में गाड़ी को पास कराना होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, चला सकते हो। क्या बन के आ गई है? तो मैंने सोचा चलो मैं इसको लेके चलता हूँ, इसको भी दिखाता हूँ गाड़ी पास कैसे कराते हैं। इन केस मैं कभी नहीं हूँ तो ये तो करा सकती है। बात तो सही है। ये है तस्जील सेंटर। यहाँ पे सब गाड़ियाँ पास होती हैं, पहले टेस्ट होती हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तो वो पास करते हैं। फिर अपना फ़ाइन पे करो, इंश्योरेंस लो। और मैं अपना वॉलेट भूल गया, नहीं ले आया। अब लगेगा यहाँ पे 20-25 मिनट। फरारी है वो, इतना गंदा कलर है। और फिर 20-25 मिनट के बाद पता चलेगा गाड़ी क्लियर हुई कि नहीं हुई। 8 करोड़ की गाड़ियाँ ये दोनों हैं, दोनों मिला के 8 करोड़ की गाड़ियाँ होंगी, 8 से भी ऊपर ही होगी। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे अपने नंबर का। क्या नंबर है? 0489 चल रहा है अभी। 0450 39 कार्स के बाद। वाओ। 1 hour later गुस्सा आ रहा है मेरे को। कहाँ पास नहीं हुई गाड़ी? गाड़ी के नीचे कुछ वायर्स निकली हुई हैं, उस कारण पास नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। अगर ये लोग कर देंगे ठीक तो फिर से जाता हूँ। सोच रहा हूँ आज ये काम ख़त्म ही करा लूँ। इसकी वजह से ना गाड़ी पास नहीं हुआ। अब देखो ज़रा क्या है। मैंने नीचे ना बल्ब लगाया हुआ था, वो लाइट वाइट, शायद वो निकल गया। तो वो बंदे ने देखो यहाँ पे ऐसे करके बांध दिया था उसको। हाँ वो निकल गया पूरा वो।
ऐसे उसने जोड़ दिया उसको। बहुत डर लगता है कभी भी नीचे, कोई नीचे खड़ा हो गाड़ी गिर जाए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ है, मैं कभी नहीं खड़ा होता इसके नीचे। अब गाड़ी पास हो जाए। One eternity later. तो आज मेरा वो वाला दिन था जब हम कोई काम करना चाहते हैं बहुत टाइम से और फाइनली वो काम करने जाते हैं और वो काम नहीं होता। उसके बाद जो गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जो आती है वो सब मैं फील कर रहा हूँ अभी इस रात, इस व्लॉग को और इस रात को। आई थिंक मैं यहीं ख़त्म करूँगा। आई विल सी यू टुमारो।